वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे यार। और जी हाँ, ब्लैक फ्राइडे जो है वीक ऑलरेडी ऑफ़र का चल चुका है, तो एक हफ्ते तक ऑफ़र आता रहेगा, जैसे बिल्कुल हेलोइन पे आया था। हेलोइन का जो वीक चला था, एक हफ्ते तक लगातार ऑफ़र आया था, पैक्स आए थे, 2-3 पैक्स आए थे, वैसे ही ब्लैक फ्राइडे का भी जो है वीक चल चुका है। 27 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे है, 26 नवंबर को थैंक्स गिविंग है, तो मे बी थैंक्स गिविंग का भी एक अलग से ऑफ़र पैक आएगा, मे बी, आई डोंट नो, जो भी है ये, जो भी होगा, खैर लेकिन ब्लैक फ्राइडे का ही चल रहा है फ़िलहाल। तो मैं कहता हूँ अगर थैंक्स गिविंग का नहीं भी आता, सिर्फ ब्लैक फ्राइडे का आता है तो भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है जैसा कि हो सकता है थैंक्स गिविंग का आएगा ऑन 26 नवंबर। बाकी तो जो चल रहा है ब्लैक फ्राइडे का वीक, वो तो प्रॉपर चलेगा ही। ऑफ़र आए हुए हैं, तो आइए पैक को देख लेते हैं, कौन सा पैक आया हुआ है, क्या ऑफ़र आया हुआ है, देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए, ये ऑफ़र आया हुआ है, सेल्स 33% ऑफ अवेलेबल, ठीक है, 13 आवर के लिए है ये, सिर्फ 13 घंटे के लिए है, 13 घंटे के बाद अभी बचा, मतलब 13 घंटे बचा है अभी, और क्योंकि ये रात को 9 बजे आई थिंक आया होगा, आई थिंक सो अपडेट हुआ होगा, तो मे बी मान के चलो कि या 12 आवर्स, ओके, मे बी एक दिन के लिए आया था, तो एक दिन के लिए ये पैक आया हुआ था, और जो है अब ये 13 आवर्स इसमें बचे हुए हैं, उसके बाद फिर कोई और पैक आएगा 33% ऑफ के साथ, क्योंकि ये पूरा हफ्ता चल रहा है, ठीक है, ऑफ़र का, तो देख लेते हैं इसमें। आप देख ही सकते हैं कि इसमें हेल स्पॉन स्कॉर्पियन के साथ जो है बाउंटी हंटर एरॉन ब्लैक है डायमंड का, बाकी टोटल 9% चांसेस है इसमें आपको डायमंड मिलने के, और 91% चांस है कि आपको गोल्ड चैलेंज करेक्टर मिलेगा। अगर चांसेस की बात करें तो ये मेरे हिसाब से एवरेज पैक है, नियर अबाउट जैसे कि असासिन स्कारलेट पैक या MK11 स्कारलेट पैक है, बिल्कुल वैसे ही 9% वाला है ये पैक। और ऑफ़र के हिसाब से अगर देखें तो आप इसे खोल सकते हैं यार, मैं तो कभी भी, जब भी 33% ऑफ आता है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप खोल सकते हो पैक, क्योंकि अगर आपको 268 में चैलेंज कैरेक्टर भी मिलता है तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है बिल्कुल भी। तो बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि इसमें रैंडम 2 कार्ड्स मिलेंगे, लेवल अप के 3 कार्ड्स मिलेंगे, नॉर्मल ऑफ़र पैक के जैसा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये पैक खोलूं? नहीं, मेरे पास तो 270 सोल्स हैं, सिर्फ मैं एक पैक खोल सकता हूँ, सिर्फ एक पैक खोल सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक पैक खोल सकता हूँ, तो क्या खोलूं कि रहने दूं? ओके, एक काम करता हूँ, एक पैक है ना, एक पैक है, खोल ही देता हूँ, ठीक है, खोल ही देता हूँ, तो एक पैक ही खुलेगा तो खोल देता हूँ, मे भी देखते हैं कितना लकी हूँ मैं, खैर घंटा लकी नहीं होगा, मुझे पता है कुछ मिलने वाला नहीं है, चल फिर भी कह रहे हो आप लोग तो चलो एक बार खोल देता हूँ भाई, चलो 1 2 3 खोल दिया, चलो चलो, लेकिन मुझे यकीन है कुछ मिलेगा नहीं, 9% चांस बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं डायमंड मिलने के, बहुत ही रेयर चांस होते हैं 9%। आप ये मत देखिए कि 4.5% है, टोटल 9% है ना 100 में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपको डायमंड मिले, पर मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये, जैसे कि होता है ना कि सबके लिए पैक्स अलग अलग तरह के होते हैं, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए पैक ख़राब होता है, किसी के लिए बहुत लकी होता है, किसी के लिए कुछ लकी होता है, किसी के लिए एकदम वर्स्ट होता है, तो वो सबके साथ अलग अलग कंडीशंस होती हैं, है ना। तो मैं किसी पैक को ख़राब नहीं कहूँगा, पर सरते मैं चांसेस पे ज़्यादा वो देता हूँ, ध्यान देता हूँ, तो चलिए देखते हैं भाई क्या मिलता है इसमें। ओके,
चलो भाई। ओके ठीक है, लेवल अप कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके चलो, लेवल अप कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके गुड, नो प्रॉब्लम। ओके कोई नहीं। ओके मैं एकदम, मेरे दिमाग में ना देखा ना, जब नॉच नहीं देखा ना तो मुझे लगा कि यार कोई डायमंड कैरेक्टर आने वाला है, पर तब से स्मोक आ गया। कोई बात नहीं, तो मुझे पता था कि अच्छे ज़्यादा। ओके लेट्स, सो पैक ओवरऑल ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको डायमंड नहीं भी मिलता है तो भी आपको 268 में चैलेंज कैरेक्टर्स मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको एक तरीके से देखो तो 32 सोल्स का डिस्काउंट है अगर आप 300 सोल्स का चैलेंज कैरेक्टर परचेस करते हो स्टोर से। यार क्या कहते हैं, आप स्टोर से 300 सोल्स का जो चैलेंज पैक खोलने से बेहतर है कि आप ऐसे पैक्स के लिए जा सकते हैं जिसमें 33% ऑफ ऑफर आता रहता है। तो ऐसे पैक्स के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि 268 में ही आपको एक चैलेंज कैरेक्टर मिल जाता है, प्लस 3 लेवल अप कार्ड्स मिल जाते हैं, और अदर कोई कार्ड्स, आपको इक्विपमेंट, बेसिक इक्विपमेंट कार्ड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बस 2 लेवल अप कार्ड्स की कमी रहती है, उसमें 5 मिलते हैं लेवल अप कार्ड्स चैलेंज पैक में, और ऐसे पैक्स में जहाँ पे आपको 268 का ही एक पैक मिलता है, वहाँ पे आपको जो है 3 लेवल अप कार्ड्स मिलते हैं और एक चैलेंज कैरेक्टर कंफर्म मिलता है। और उसमें भी, और इसमें ये भी बेनिफिट रहता है कि इसमें चांस रहता है कि आपको डायमंड कैरेक्टर भी मिल सकता है। तो ऐसे पैक्स को आप, मैं मानता हूँ कि ऐसे पैक्स इज़ कंपेयर बेहतर होते हैं, और आप इसे इस ऐसे पैक्स के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास इनफ सोल्स है तो। फिर भी क्योंकि ये ऑफ़र पूरी वीक चलने वाला है, तो आप अगर ये पैक के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं 13 आवर्स का, उसके बाद जो 13 आवर्स के बाद जो क्या कहते हैं ऑफ़र आएगा, है ना, 13 आवर्स के बाद जो ऑफ़र आएगा उसकी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा पैक आ रहा है, किस पे ऑफ़र आ रहा है, कैसा पैक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स में मिल रहे हैं, तब आप जा सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला पैक इज़ गुड, इसमें मुझे जो चाहिए वो है। तो ऐसा वेट करना चाहें तो आप वेट कर सकते हैं, या आपके पास इनफ सोल्स नहीं है तो आप सोल्स कलेक्ट करिए। देखो आप किसी पैक के लिए भागो मत, क्योंकि पैक तो आते ही रहेंगे, है ना, पैक तो आते रहेंगे ऑफ़र वाले, ठीक है। अभी आज थैंक्स गिविंग पे आया है, या ब्लैक फ्राइडे पे ऑफ़र आया है, फिर कल क्रिसमस पे ऑफ़र आएगा, ठीक है, क्रिसमस के ऑफ़र के बाद फिर न्यू ईयर पे जो है ऑफ़र आएगा, ठीक है, न्यू ईयर पे ऑफ़र आएगा, कई चीज़ ऑफ़र तो आते ही रहते हैं, ठीक है, ऑफ़र की कमी नहीं है। मई में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में भी आ सकता है ऑफ़र पैक, और जो है कई आते रहते हैं, फिर उसके बाद तो फिर वही चीज़ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, है ना। तो मेरे हिसाब से अभी आप इतना मतलब वो मत हो कि यार अभी जैसे मैंने खोल दिया है ना, 270 सोल्स थे लेकिन मैंने पैक खोल दिया, मेरे पास बचे क्या 2 सोल्स, ठीक है। तो 270 सोल्स जुटाने में जितना समय लगता है, उसको खर्च करने में उसका कोई सेकंड, मतलब उतना भी समय नहीं लगता, बस सेकंड भर लगता है, एक बटन दबाए और पूरा का पूरा सोल्स ख़त्म हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैक खोलिए, बेहिचक खोलिए, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि आपको वो पैक के लिए जाना चाहिए या आपको सोल्स कलेक्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप सोल्स कलेक्ट करो। अभी जैसे कि मैंने एक पैक खोला, मुझे मुझे पक्का है कि कोई वो नहीं मिलेगा क्या, डायमंड करेक्टर। लेकिन अगर यही मैं 10 पैक खोलता तो शायद स्लाइटली चांसेस था कि मुझे एक या दो डायमंड कैरेक्टर मिल सकता था, मिल सकता था, वो भी कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी मिल सकता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब खोलोगे ना पैक तभी मज़ा आएगा, ऐसे एक दो पैक खोलने से बहुत लकी रहोगे तो ये आपको जो है डायमंड कैरेक्टर
पहले या दूसरे तीसरे पैक में मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कि आप पहले सोल्स कलेक्ट करो। ठीक है, ये मत सोचो कि अरे यार थैंक्स गिविंग का ऑफ़र आ गया या ब्लैक फ्राइडे का ऑफ़र आ गया है, उसके बाद तो फिर सीधे क्रिसमस पे ऑफ़र आएगा। कोई दिक्कत नहीं यार, क्रिसमस पे ऑफ़र पे पैक खोल लेना, या न्यू ईयर पे खोल लेना, या उस पर उसके बाद अगर कोई ऑफ़र आता है तो उस पर खोल लेना। ऑफ़र तो आते ही रहेंगे, ठीक है, हर साल आता है ऑफ़र, हर साल आएंगे। ठीक है, तो वो तो हर महीने ऑफ़र आता रहता है, ऑफ़र पैक आता रहता है ना। तो उसके लिए कोई वो नहीं है, पहले सोल्स को कलेक्ट करो अच्छे से, बढ़िया से सोल्स को छुटाओ। ठीक है, उसके बाद जो है आप, मैंने क्यों पैक खोला मैं पता है, मैंने पैक खोला आप लोगों के लिए ही, मुझे कोई पैक की खोलने की इच्छा नहीं थी। मैं लिटरल बताऊँ फैक्ट, मैंने ये पैक आप लोगों के लिए खोला। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, है ना। तो मैं ये पैक आप लोगों के लिए खोला। अगर मेरा, सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता, मेरा खुद का, तो मैं पैक्स को कभी नहीं खोलता 270 सोल्स पे। मैं उसे छुटाता कि एटलीस्ट मैं 4 से 5 पैक खोल सकूं, 4 से 5 पैक्स खोल सकूं, तब जाके मुझे कुछ समझ में आया, तब आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि अच्छा पैक ये ऐसा है, ये पैक ऐसा है। आप एक पैक खोल के नहीं किसी पैक को जो है जज कर सकते हैं, या वो पैक आपके लिए लकी था कि नहीं था। पैक कैसा है ये तो आपके पैक के आप चांसेस देख के बता दोगे कि वो पैक कैसा है। वो पैक आपके लिए लकी है कि नहीं है ये बताने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 पैक खोलना पड़ेगा। एक पैक खोल के आप नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पैक में बहुत रेयर चांस होता है कि आपको डायमंड मिल जाए पहले ही पैक खोलते हैं, तो वो तो ना के बराबर, वो तो किसी जल्दी चांस, वो तो किसी में नहीं होता। वो तो आप समझ लीजिए जो एलाइट एल्डर गॉड पैक आता है, एलाइट नेदरियम एल्डर गॉड पैक, उसमें भी ये चांस नहीं है कि आप पहले पैक में आपको जो है डायमंड मिल जाए, बहुत रेयर है। वो तो लकी ही रहते हो तो तभी मिलता है ना। तो ये तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पैक को देख के आप बता सकते हो कि हाँ चलो चांसेस देख के फिर लकी है कि नहीं ये बात। तो इस हिसाब से तो मैं, अगर मेरी बात मानो तो मैं पैक ना खोलता, मैं पहले जुटाता सोल्स को। मैं ऑलरेडी जुटाने के लिए ही सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि फिर से सोल्स मेरे पास उतना हो जाए कि मैं जो है अच्छे से खासा 10 पैक्स 12 पैक खोल सकूँ, और उसकी पैक ओपनिंग का वीडियो बना सकूँ और उसे भी अपलोड कर सकूं। तो आपसे भी यही है कि आप भी जो है पहले सोल्स को अच्छे से जुटा लीजिए, उसके बाद बढ़िया से पैक ओपनिंग करिएगा। अब रही बात कर लेते हैं चैलेंज की, तो अपकमिंग चैलेंज, जैसा कि आपको पता है कि अपकमिंग चैलेंज डार्क कोटल खान आने वाला है, उसके बाद क्लासिक मलीना आने वाली है, और मुझे जहाँ तक लगता है, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने मलीना की भी आने के प्रेडिक्शन की थी, क्योंकि उसको भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक वो पिछले साल मार्च में आई थी, यस मार्च अप्रैल में आई थी मलीना, क्लासिक मलीना, तो उस हिसाब से उसको आना ही था। नो, आई थिंक वो इस साल के मार्च में आई थी, यस इस साल के मार्च में आई थी, 2020 के मार्च में आई थी, तो 2020 के मार्च में आई थी, अब जाके वो आई है, तो उसका आना बन रहा था। एक और कैरेक्टर है जिसे अभी चैलेंज में आना चाहिए, वो है आई थिंक सब ज़ीरो ट्राइबॉर्ग, क्योंकि सब ज़ीरो ट्राइबॉर्ग को आए हुए आई थिंक दिसंबर 2019 में आया था, वो दिसंबर के 2019 साल में आया था लास्ट टाइम उसका चैलेंज, उसके बाद उसका कोई चैलेंज नहीं आया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब ज़ीरो ट्राइबॉर्ग का चैलेंज आ सकता है, चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं स्मोक का ऑलरेडी आ ही चुका है, जो है चैलेंज आ चुका है, और स्मोक का भी लगभग आई थिंक दिसंबर ही आया था, सब ज़ीरो के आसपास ही स्मोक का भी आया था लास्ट टाइम, उसके बाद अभी रिसेंट आया स्मोक, तो उस हिसाब से सब ज़ीरो का भी चांसेस है कि आ सकता है सब ज़ीरो का चैलेंज, और शिरारू टकीडा का भी आ सकता है। ठीक है, गनस्लिंगर एरॉन ब्लैक का भी इधर बीच कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, आई थिंक लास्ट टाइम उसका कब आया था मुझे याद भी नहीं है,
वो आई थिंक 2019 के स्टार्टिंग वगैरह में आया था, आई डोंट नो कब आया था उसका, तो काफ़ी टाइम हो गया उसको एम के। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि उसे अभी फ़िलहाल चैलेंज में ला ही नहीं रहा है गनस्लिंगर ऑन ब्लैक को, तो उसके बारे में तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं एम के उसको ला रहा है, तो वो मुझे नहीं पता। फिर बात कर लेते हैं और किसी कैरेक्टर की, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आने के चांसेस हैं क्लासिक कैनो के भी आने के चांसेस हो सकते हैं चैलेंज में, तो दो का फ़िलहाल अभी कंफर्म है, एक है आपका डार्क कोटल खान जो आ रहा है और दूसरी है क्लासिक मलीना जो आ रही है, कोटल खान के बाद क्लासिक मलीना आएगी। तो यार यही एक वीडियो था, अगर मैं पैक की बात करूं, फिर से ऑफ़र की बात करूं, तो मेरे हिसाब से ऑफ़र एवरेज है, अच्छा है, आप जा सकते हैं अगर आपके पास इनफ सोल्स हैं, इफ़ यू हैव इनफ सोल्स तभी आप उस पैक के लिए चाहिए। इनफ सोल्स मतलब यू कैन ईज़िली ओपन 10 packs, आप 10 pack बहुत ईजिली खोल सकते हो। इफ़ यू कैन ओपन 10 packs वेरी ईजिली देन यू कैन गो फॉर दिस पैक, अदरवाइज सेव योर सोल्स, ओके, अपने सोल्स को बचाओ अगर आपके पास इनफ सोल्स नहीं है तो। पहले सोल्स को कलेक्ट करो, ठीक है, पहले पहली प्रियोरिटी हमेशा सोल्स को कलेक्शन देना सीखो, पहले सोल्स को हमेशा कलेक्ट करो, कभी भी किसी पैक को देख के अपना ध्यान मत भटकाओ, ठीक है। मैंने पैक क्यों खोला, क्योंकि मैंने ये पैक आपको दिखाने के लिए खोला है, वरना मैं ये पैक नहीं खोलता, रिमेंबर ऑलवेज मैं ये पैक नहीं खोलता। तो ऐसे ही आप भी पहले सोल्स को कलेक्ट कर लो, उसके बाद पैक्स ओपनिंग करो, ठीक है, तो अच्छे से सोल्स को कलेक्ट कर लो, फिर बढ़िया से पैक ओपनिंग करो, जितने अच्छे से सोल्स कलेक्ट करोगे उतने अच्छे से पैक ओपनिंग करोगे, वरना फिर यही 1-2 pack ओपनिंग करोगे और कुछ हाथ नहीं आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा आपको, और बस ऐसे ही चैनल के साथ सपोर्ट करते रहो, चैनल को मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और अभी रिसेंटली मैंने इनजस्टिस 2 पे भी वीडियो लाया है, इनजस्टिस 2 गेम पे, विच इज़ गुड आई थिंक, क्योंकि निदर्म स्टूडियोज़ और आपके डब्ल्यू वार्नर ब्रदर्स ने इस गेम को बनाया है, तो आई थिंक दिस गुड। सो तो देखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन उतना कंपेयर अगर मॉर्टल कॉम्बैट का कंपेयर करूँ तो नहीं है उतना अच्छा इनजस्टिस 2, पर ठीक है, गुड, एवरेज है। फिर भी मैं बोलूँगा कि मुझे DC कॉमिक्स अच्छा, मार्वल कॉमिक्स लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यार, और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर आप मुझसे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बस लिंक को देखा मत क्या करो, लिंक को क्लिक कर दिया करो, वहाँ जाके मेरे साथ जुड़ जाया करो, ठीक है। और अगर आप कोई और गेम खेलते हैं या किसी और गेम पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स जो बना हुआ है ना उसको भी देखो मत, उस पर कुछ लिख सकते हो, लिखो और मुझे भेजो, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज पे, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, गुड बाय।